पंजाब हरियाणा में इन दिनों पराली कम जल रही है क्योंकि फसल कटाई का सीजन खत्म हो रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बस पराली का ही प्रदूषण नहीं है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के आसपास के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित 11 कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांटों पर एक शोध किया, जिससे खुलासा हुआ है कि अधिकतर थर्मल पावर प्लांट प्रदूषण नियंत्रण के मानकों की अनदेखी कर रहे हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के प्रोग्राम डायरेक्टर निवित यादव ने एनडीटीवी से कहा, दिल्ली एनसीआर की हवा का 8% पीएम थर्मल पावर प्लांट की वजह से आ रहा है। सीएसई की जांच रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के आसपास स्थित 11 में से 3 थर्मल पावर प्लांट तय मानक से अधिक पीएम का इमिशन कर रहे हैं। 11 में से 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड के इमिशन नॉर्म से अधिक इमिशन कर रहे हैं, जबकि 11 में से 5 थर्मल पावर प्लांट्स सार्वजनिक डोमेन में डेटा रिपोर्टिंग सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। ये जो 11 थर्मल पावर प्लांट्स हैं दिल्ली एनसीआर इलाके के आसपास 300 किलोमीटर के रेडियस में, उनका कंट्रीब्यूशन दिल्ली के प्रदूषण में आज कितना है? देखिए, एक थोड़ी सी पुरानी रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि थर्मल पावर प्लांट से करीबन 8% पार्टिकुलेट मैटर का लोड आता है। तो ये आपका पार्टिकुलेट कोल बर्निंग से जो होता है उसे, एक सबसे अच्छी इम्पॉर्टेंट बात, एक तो पर्टिकुलेट मैटर हो गया, दूसरा एक सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जब बाहर निकलता है तो रिएक्ट करता है और सल्फेट बनाता है और एज ए PM2.5 एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो पार्टिकल का भी और सल्फर डाइऑक्साइड का भी कॉन्ट्रीब्यूशन मिला के समथिंग अराउंड 8% दिल्ली की हवा में कॉन्ट्रीब्यूशन है। पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं काफी घट गई हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरे दिल्ली एनसीआर इलाके में प्रदूषण का संकट बना हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह दिल्ली एनसीआर इलाके में हर रोज चलने वाली इन लाखों गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषण है। आईटी कानपुर, आईटी दिल्ली और टेरी ने एक ज्वाइंट स्टडी में ये पाया है कि 9 नवंबर से 25 नवंबर के बीच दिल्ली एनसीआर इलाके में पॉल्यूशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर का था। आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और टेरी के शोधकर्ताओं द्वारा इकट्ठा किए गए रियल टाइम एडवांस्ड एयर सोर्स मैनेजमेंट नेटवर्क डेटा के मुताबिक सोमवार शाम को दिल्ली में डेली पीएम 2.5 लेवल में वाहनों की हिस्सेदारी 29% थी, जो प्रदूषण के कंट्रीब्यूटर्स में सबसे अधिक थी। ये महत्वपूर्ण है कि पराली जलाने की घटनाओं में गिरावट के बावजूद सोमवार शाम को बायोमास बर्निंग की हिस्सेदारी 25% दर्ज की गई। साफ है आने वाले दिनों में प्रदूषण संकट से आम लोगों को कोई राहत मिलेगी, इसकी संभावना फिलहाल कम दिखाई देती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन जोसेफ के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।